हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम्स में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। जिस भारत को खोजने में कोलंबस गया था भटक, उस तक कैसे पहुंचा वास्को डी गामा, जाने दिलचस्प कहानी। ये जो पिक देख रहे हैं इसमें कोलंबस अमेरिका पहुँचा है। कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था मगर वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। और वास्को डी गामा, वास्को डी गामा से पहले कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन ये जो सेकंड पिक देख रहे हैं ये वास्को डी गामा की है। वास्को डी गामा से पहले कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से वो अमेरिका पहुंच गया। 20 मई 1998 को वास्को डी गामा पहली बार भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। ये देखिए, ये इस रास्ते से होता हुआ यूरोप की साइड से नीचे की तरफ अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। अपनी लंबी यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई 1998 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा। उसके लिए ये खोज वास्तव में बड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अरब जगत का वो राज जान लिया था जिसको ना बताकर वो यूरोपीय देशों से अब तक मोटी रकम लेता रहा था। यूरोपीय भटक गया था कोलंबस, यूरोपीय देश अरब जगत के माध्यम से मसाले चाय की खरीद करते थे, उन्हें ये सब भारत से हासिल होता था। अरब जगत ने कभी यूरोपीय देशों को ये राज उजागर नहीं होने दिया कि उन्हें ये माल कहाँ से मिलता है। वहीं यूरोपीय देश लगातार उस देश के बारे में जानना चाहते थे जहाँ से ये सारा कुछ आता है। इसी कसमकस के बीच इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी। उसका मकसद था भारत की खोज करना, लेकिन अटलांटिक महासागर में आकर वो भटक गया और अमेरिका की तरफ आगे बढ़ गया। जब वो अमेरिका के तट पर पहुंचा तो उसको लगा कि वो भारत की खोज करने में सफल हो गया है, लेकिन जल्द ही उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वास्को डी गामा का सफ़र शुरू। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 वर्ष बाद वास्को डी गामा का सफ़र शुरू हुआ। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफ़र 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया। उसके साथ चार और जहाज भी थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अच्छा कप्तान था। वास्को डी गामा भारत की खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि वो ये जगह नहीं है जिसकी वो खोज करनी थी। उसको एक लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ, लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफ़र में उसके कई साथी बीमार पड़ गए और उसका खाना भी खराब होने लगा और ख़त्म होने। मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहाँ के सुल्तान ने इसको देखते हुए उन्होंने इसको बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी बताया। यहाँ से उन्होंने अपनी ज़रूरत का सामान और खाने पीने का सामान भी लिया। 20 मई 1498 को पहुँचा कालीकट। आखिरकार लंबे समय के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहाँ पर हर वो चीज़ थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसको व्यापार करने के लिए राजी किया। 3 महीने कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल चला गया। इस पूरी सफ़र में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा पहुँचे थे। 1499 में उसको लिस्बन पहुँचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। उसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने उसको वास्को डी गामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। 1522 में दोबारा भारत आया वास्को डी गामा। उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा। ये वास्को डी गामा के लिए एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद वो
1502 में वापस पुर्तगाल चला गया। 1522 में वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ पर रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया। उसको कोची में दफनाया गया और 1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेष को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।